अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मटन पाए बना रहे हैं। मटन पाए बनाने के लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले मैं आपको उसकी डिटेल बता देती हूँ। हम लोगों ने 750 ग्राम मटन पाए लिए। ये 3 पीसेज हैं जो मीडियम साइज़ के पाए के होते हैं। अब 1 kg भी, ये जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, इसमें सिर्फ आप सॉल्ट और रेड पेपर के अलावा बाकी सब इंग्रेडिएंट्स सेम चूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। चलो मैं हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें ऑयल लिया। जहाँ पे मैं ऑयल का वर्ड यूज़ करती हूँ उधर हम लोग हमेशा हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। 1/4 कप ऑलिव ऑयल लिए, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून ये मिक्स गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून मिक्स मसाला है। मिक्स मसाले में मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और दालचीनी के 2 ऐसे पीसेस लिए हैं, थोड़े से उसमें लौंग है, काली मिर्ची है और 1 टेबल स्पून योगर्ट दही लिए। अब फ्रेश आइटम्स की तरफ आएँ तो हम लोगों ने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला होता है, अनियन ज़्यादा इसमें यूज़ करेंगे तो इसका बहुत मीठा सा टेस्ट आता है जो अच्छा नहीं लगता। एक मीडियम से साइज़ का टमाटर लिए, फ्यू करी लीव्स लिए। करी लीव्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप कोशिश करें कि आप अपने हर सालन जो भी ग्रेवी कुछ भी बनाएं तो उसमें करी लीव्स ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आजकल जैसे बाल बहुत एज से पहले ही वाइट होना शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, जल्दी से बाल वाइट भी नहीं होते। 2 ग्रीन चिलीज लिए, 1 पीस जिंजर लिए, थोड़े से ग्रीन चिली लिए और 3 to 4 क्लोव्स गार्लिक लिए। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और टोमेटो को भी पेस्ट की फॉर्म में यूज़ करेंगे। अभी मटन पाए का प्रॉब्लम ये होता है, मटन पाए या दूसरे बीफ का भी अगर हम यूज़ करते हैं तो इसकी एक ख़ास स्मेल होती है जो अच्छी नहीं लगती। तो इसको हम लोग उसको स्मेल को ख़त्म करने के लिए उसका तरीका जो यूज़ करते हैं वो है कि हम लोग इसको पहले थोड़ी देर 5 मिनट्स तक आप व्हीट फ्लोर, अगर आपके पास है येलो वाला मकई का आटा है आपके पास या बेसन है, वो थोड़ा सा इसमें 2 to 3 टेबल स्पून आप डाल के इसको अच्छी तरह इसके ऊपर मिक्स करके इसको 5 मिनट्स के लिए रख दें। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसको आप पकाएं तो इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हमने इसके ऊपर व्हीट फ्लोर, हम जो घर में गंदम का आटा होता है वही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल के इसके ऊपर अच्छे से लगा के इसको मैं 5 मिनट्स के लिए हम रख देंगे और इसके बाद 5 मिनट्स के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चलिए अभी हम इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिए, इसी पेस्ट के अंदर ही हमने टोमेटो भी ऐड किए और अनियन भी हमने कट कर लिया। ऑयल हम तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं बट आप कोई भी ऑयल जो आपके किचन में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी पहले हम पाए को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके फिर उसमें अनियन को डाल के उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। अनियन आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन से हो गए हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले सब स्पाइसेस इसमें ऐड कर, हमने सब स्पाइसेस और दही इसमें डाल दिए। अब थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करके इसको फ्यू सेकंड्स के लिए पकाएंगे, फिर हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक वाली पेस्ट ऐड करेंगे। हमने पेस्ट ऐड कर दिए, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए पकाएं ताकि पेस्ट अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ा मसाला भी पक जाए। इसको आप 1 or 2 मिनट्स के लिए पकाएंगे तो ये मसाला ऐसा बन जाएगा और फिर हम इसमें धुले हुए वॉश किए हुए पाए ऐड कर देंगे। मसाला रेडी हो गया, अब हम इसमें पाए ऐड कर देंगे और इसको
अच्छे से इसका मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिक्स मसाला और ग्रीन चिली और करी लीव्स ऐड करेंगे और इसको एटलीस्ट आपने 10 टू 15 मिनट्स तक लो फ्लेम में अच्छे से भूनना है ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्मेल बाद में आएगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी और वो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। हमने इनको मसाले में डालने के बाद 15 मिनट्स तक लो फ्लेम में अच्छे से पकाया है ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसमें ग्रीन चिली, करी लीव्स और मिक्स मसाला हम ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसका एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अभी ये भून लिए हम लोगों ने, अच्छे से पका लिए, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें 7 कप्स वाटर ऐड किया है, बट वाटर आप इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को यायोई में जो मटन पाए मिलते हैं वो जो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होते हैं वो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, तो हम लोग इसमें वाटर पहले 7 कप्स डाल के इसको 1 आवर तक प्रेशर कुकर बंद करके इसको पकाएंगे। 1 आवर के बाद हम लोग इसमें चेक करेंगे कि अगर पाए गल गए और जितना हम लोगों को इसमें ग्रेवी चाहिए वो ठीक है तो वो फाइनल मतलब कुक हो जाएगा, बट अगर पाए अभी तक पके नहीं है तो आपने उसमें 2 टू 3 कप्स वाटर और ऐड कर सकते हैं, जितने पाए मतलब आपको लगेंगे कि इसको और ज़्यादा पानी चाहिए गलाने के लिए, तो उसमें आप कोल्ड वाटर यूज़ नहीं करेंगे, पानी को आप थोड़ा सा गर्म करके ल्यूक वो जो हल्का सा गर्म पानी होता है वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर इसको आप 15 टू 20 मिनट तक और पका के देखें। वाटर ऐड करने के बाद हमने अब इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और इसको 1 आवर तक इसमें पकाएंगे। 1 आवर के बाद हम लोग इसे ओपन करके देखेंगे कि ये गल गए कि नहीं गले, अगर नहीं गले होंगे तो हम इसमें थोड़ा सा और वाटर डाल के इसको और पकाएंगे। हमने इसको 1 घंटा पकाने के बाद अभी ओपन करके चेक किए तो अभी तो इसमें पानी भी आप देख सकते हैं ऐसे और गल गए हैं, लेकिन अभी उतने अच्छे से पाए नहीं गले जितने अच्छे से गलने चाहिए, तो हम लोग अभी क्योंकि पानी भी है तो इसको 1/2 आवर और कुक करेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और थोड़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए और पाए भी और अच्छे से गल जाए। मैंने इसको 1 आवर मीडियम फ्लेम पर कुक किए, हेल्दी से टेस्टी से पाए रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया, पीसी हुई कसूरी मेथी और मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। मैंने लेमन लिया है लेकिन मैं लेमन इसमें ऐड नहीं कर रही, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसमें लेमन ऐड करना चाहते हो तो पकने के बाद अब इसमें लेमन थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो, वो आपकी अपनी च्वाइस है, आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप इसको ट्राई करें, बहुत इजी और बहुत अच्छी बनने वाली रेसिपी है।